इस वक्त आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एमपी, मैं आपके साथ सिमरन। इंदौर, भोपाल, जबलपुर के बाद रतलाम में रेमडेसिविर बेचने दो डॉक्टर पकड़े गए। पुलिस ने जीवांश हॉस्पिटल के दो डॉक्टरों को कालाबाजारी के मामले में हिरासत में लिया है। एक ग्राहक को 90,000 में 3 इंजेक्शन देने का सौदा तय किया था। डॉक्टर ने ग्राहक को इंजेक्शन देने के लिए जीवांश हॉस्पिटल के पास बुलाया था। वही पुलिस की टीम ने घेराबंदी कर डॉक्टर को दबोच लिया। शुरुआती पूछताछ में डॉक्टर उत्सव नायक ने बताया कि अपने सीनियर डॉक्टर यशपाल सिंह के कहने पर वो ग्राहक को इंजेक्शन डिलीवरी देने गया था। पुलिस ने जीवांश हॉस्पिटल से दोनों डॉक्टरों को हिरासत में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने डॉक्टरों के मोबाइल के साथ कुछ इंजेक्शन भी जब्त किए हैं। डॉक्टर के मोबाइल से मिले व्हाट्सएप चैट और कॉल डिटेल के आधार पर कालाबाजारी करने वाले दवा माफिया की तलाश की जा रही है। यह आपको बता दें कि रेमडेसिविर और कोरोना के इलाज में उपयोग होने वाली जीवन रक्षक दवाइयों की कालाबाजारी की शिकायत करने के लिए रतलाम पुलिस ने हेल्पलाइन नंबर जारी किए थे। पुलिस प्रशासन को मिली शिकायत के आधार पर इस मामले में 80 फीट रोड स्थित जीवांश अस्पताल पर शनिवार देर रात कार्रवाई हुई। तो ये थी इस वक्त की अपडेट। ऐसे ही अपडेट्स के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें अपने यूट्यूब चैनल वॉइस ऑफ एमपी को। धन्यवाद।